वीडियो में हम ट्रांजिशन टैब के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें वैरायटी ऑफ ट्रांजिशंस हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ से कौन सा भी ट्रांजिशन चूज करके वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है, जिसका यूज करके हम देखेंगे ये ट्रांजिशंस वर्क कैसे करते हैं। इस टैब का यूज़ करके हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर दिखेंगे। जब हम ड्रेप या पर्ल पेज को ऐसे ट्रांजिशंस को अप्लाई करते हैं, तो हमें दो ऑप्शन और खुल जाते हैं, लेफ्ट या राइट। मतलब लेफ्ट साइड से हमें ड्रेप उठाना या राइट साइड से, या पेज को मतलब हम जैसे पन्ने पलटते हैं उस डायरेक्शन में हम, वो ऑप्शंस हमें है। पेज कर्व के लिए इफेक्ट ऑप्शन में हम देख सकते हैं, हमें चार ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद हमें अगर स्लाइड्स के लिए साउंड ऐड करना है, तो हम साउंड भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ साउंड्स है। हम हमारे साउंड्स और भी कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हमें अगर कोई साउंड्स हमारे पास सेव्ड है, वो भी साउंड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन, साउंड का ड्यूरेशन कितनी देर तक रहेगा ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वो साउंड अगर हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर स्लाइड के लिए चाहिए और सारे स्लाइड को अप्लाई करना है, ये भी ऑप्शन हमें वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद एडवांस स्लाइड के लिए हमें माउस क्लिक, वो तो है ही, वो कंडीशन तो है ही, पर हमें उसका ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 5 सेकंड के बाद हमें अगले साइड पर जाना है, या कम समय चाहिए, ज़्यादा समय चाहिए, वो भी हम वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब हम स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे। पर्ल पेज कर्ल इफेक्ट का यूज किया है। थैंक यू।